बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है द माउस बेनिफिट्स। ठीक है, पढ़ेंगे कि माउस को यूज़ करने से हमें कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। मैं आपको कुछ बेनिफिट्स भी पढ़ाऊंगा, इसके साथ साथ माउस कॉन्फ़िगरेशन भी करेंगे। आज कोशिश करेंगे कि चंद चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली स्क्रीन पर बता दूँ, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए और वीडियो के दरमियान में आखिर में आपको प्रैक्टिकल चीज़ें भी मिल जाएगी और इसके साथ साथ माउस का कॉन्फ़िगरेशन किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं वो भी मिल जाएगा। तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले माउस को जब यूज़ करते हैं तो माउस के यूज़ करने से हमको क्या बेनिफिट्स, क्या फ़ायदे मिलेंगे। तो जो सबसे पहला बेनिफिट है वो ये है कि पॉइंटिंग पोजिशन इज़ फास्ट, ये वाली बात। ठीक है, अगर मैं इसको, ये मेरा पॉइंटर है, ठीक है, अगर आप इसको देख रहे हैं तो मेरे इस पॉइंटर को देखिए, मैं इसकी पोजीशन को निहायत आसानी के साथ स्क्रीन में कहीं भी ले जा सकता हूँ। मसलन मुझे यहाँ पे चाहिए, फौरन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे चाहिए, फौरन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे चाहिए, फौरन यहाँ पे आ गया। यानी जिस लोकेशन और जिस जगह मुझे ये पॉइंटर चाहिए उसको मैं निहायत आसानी के साथ, निहायत तेज़ी के साथ वहाँ पे ले जाता हूँ। दूसरा है मेन्यू इंटरेक्शन इज़ इजी। मेन्यू के सियादे हमारे पास, मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि जब हम कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, चाहे वेबसाइट यूज़ करते हैं, चाहे एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो उसमें हमारे पास मेन्यूज़ होती है। तो यहाँ पे इस एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास मेन्यूज़ है, होम है, ठीक है, उसमें पर इंसर्ट है, पर डिज़ाइन है, ट्रांजेक्शन है। तो मुझे जिस मेन्यू की ज़रूरत पड़ती है मैं इस पॉइंटर की मदद से निहायत तेज़ी के साथ, निहायत आसानी के साथ उस मेन्यू से इंटरेक्ट हो जाता हूँ, उसको मैं क्लिक कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे होम मेन्यू क्लिक है, तो होम में जितने भी सब टैब है, सब ग्रुप है, वो सारे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मसलन कट है, कापी है, पेस्ट है और मेन्यू है, इस तरह बहुत सारी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस लेक्चर्स के थ्रू, इस चैनल के थ्रू, ये इस वक्त मैंने जो एप्लीकेशन ओपन किया हुआ है, ये इसका नाम है पावर पॉइंट, एमएस माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो मैं आपको पावर पॉइंट भी सिखा दूँ, मैं आपको एमएस वर्ड भी सिखा दूँ, मैं आपको एक्सेल भी सिखा दूँ। मैं कोशिश करूँगा कि बेसिक किस्म की जितने भी चीज़ें हैं वक्त के साथ साथ वो मैं आपको बताता रहूँ, लेकिन पहले से कोशिश करते हैं कि यह कोर्स ज़रा दरमियान में पहुँच जाए। तो इस पर एट द सेम टाइम वो कोर्स भी चलाएँगे, उस पर भी लेक्चर में आपको लेक्चर्स इस चैनल पे अपलोड करता जाऊंगा और उसके साथ साथ ये एप्लीकेशन भी मैं शुरू कर दूंगा। मेन्यू इंटरेक्शन इज जैसी इस मसलन जिस मेन्यू को मुझे चाहिए उसके साथ इंटरेक्शन निहायत आसानी के साथ देखो हो रही है। ठीक है, तो माउस को यूज़ करने का दूसरा बेनिफिट ये है कि मेन्यूज़ के साथ, पॉइंटर के थ्रू हम निहायत के साथ, आसानी के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर मैं कोई एक, मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, ये पेंट एम एस पेंट है, यहाँ पे देखो मेरे पास चंद ये मेन्यूज आ रही है, होम है, व्यू है, ठीक है, फाइल है, ठीक है, ये सारी मेन्यूज है। तो मैं किसके इस पॉइंटर के थ्रू निहायत आसानी के साथ इस मेन्यूज के साथ, एप्लीकेशन की मेन्यू के साथ क्या करता हूँ, इंटरेक्शन करता हूँ। और जो आखिर में आखिरी बात है वो है यूज़र कैन ड्रा इलेक्ट्रॉनिकली। यूज़र निहायत आसानी के साथ क्या कर सकता है, ड्राइंग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो निहायत आसानी के साथ जो ड्राइंग करता है, वो किस तरह यूज़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ड्राइंग करने वाला एप्लीकेशन जो सबसे बेसिक किस्म का है, इस तो मेरे पास फोटोशॉप भी है, कोरल ड्रा भी है, ठीक है, कोरल ड्रा है मेरे पास, फोटोशॉप है मेरे पास, लेकिन ज़रा एडवांस किस्म के सॉफ्टवेयर है, लेकिन मैं आपको एक बेसिक किस्म के सॉफ्टवेयर में इसकी इम्प्लीमेंटेशन करके बताता हूँ। तो माउस के थ्रू यूज़र निहायत आसानी के साथ ड्राइंग कर सकता है। यहाँ पे अगर हम आ जाए और देख ले कि फॉर एग्जांपल मैं क्या ड्रा करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं पहले, सबसे पहले टूल्स देखो, ऑलरेडी मेरे पास एक टूल सेलेक्टेड है, मैं क्या ड्रा करना चाहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से मैं वो जो चीज़ ड्रा करना चाहता हूँ उसका मैं वो, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देख ले, मैं सर्कल ड्रा करना चाहता हूँ। तो एक तो ये है
कि इस पॉइंटर की मदद से हम कोई भी टूल पहले सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सा टूल मैंने यूज़ करना है। ठीक है, तो इसमें एम एस पेंट में जो टूल होते हैं वो यहाँ पे टॉप पे होते हैं। बाज़ एप्लीकेशन के यहाँ लेफ्ट पे टूल होंगे ड्राइंग किस्म के एप्लीकेशन के। तो फॉर एग्जांपल मुझे सर्कल चाहिए, मैं पॉइंटर का यहाँ पे ले आता हूँ और यहाँ पे एक लेफ्ट क्लिक कर देता हूँ तो ये सेलेक्ट हो गया टूल। अब ये नहायत आसानी के साथ जो कुछ मुझे चाहिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ उसको ड्रा कर दिया। मैंने मुझे ये वाला चाहिए तो मैंने ये ड्रा कर दिया, मुझे ये वाला चाहिए मैंने इसको ड्रा कर दिया, मुझे ये वाला चाहिए मैंने इसको ड्रा कर दिया, मुझे वैसे लाइन चाहिए मैंने लाइन को ड्रा कर दिया। ये ठीक है, मुझे फ्री ड्राइंग चाहिए तो मैं फ्री भी क्या कर सकता हूँ। अच्छा, ये वाला टूल जो है ये सेलेक्ट के लिए, फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट करना चाहूँ तो मैंने ये सेलेक्ट कर दिया, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, एग्जांपल इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया और देखते हैं कि ये साइज चेंज होता है कि नहीं। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो भी हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे पहले उस चीज़ को हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला चाहिए, ये मैंने क्या कर दिया, ये इसका नाम है, थोड़ा सा इस पर रख दे तो उसके टूल का नाम सामने आ जाएगा, इसका नाम है पेंसिल। पेंसिल को मैं क्या करता हूँ, मैंने सेलेक्ट कर दिया, मैंने ड्रा कर दिया। पेंसिल की मैं ज़रा ये बोल्ड करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैंने लाइन सेलेक्ट कर ली, ये वाली लाइन। अब ज़रा क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। ऐसे मैं कलर सेलेक्ट कर देता हूँ तो देखो रेड में ड्राइंग। ठीक है, आप कोई भी फ्री हैंड ड्राइंग करना चाहते हो तो ये पेंसिल सेलेक्ट कर लो, ये ब्रश सेलेक्ट कर दो, आप इस पे क्या कर सकते हो, कोई भी ड्राई कर सकते हो। ठीक है, आप कोई भी ड्राइंग कर सकते हो। ठीक है, इस तरह आप किसी चीज को मिटाना चाहते हो, इरेज करना चाहते हो तो देखो मैं ये ले आया, मैंने इसको इरेज कर दिया। ठीक है, तो ये MS Paint बजाद खुद एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है और इसको लर्निंग, लेकिन यहाँ इस हद तक मेरा था कि मैं आपको इस माउस के थ्रू क्या करूँ ये सिखा दूँ कि किस तरह इसके ज़रिए हम ड्रा कर सकते हैं। तो ये मैंने ड्रा करके आपको बताया और इस एप्लीकेशन में मैं आपको बताता हूँ कि इसके ज़रिए मैं मेन्यू इंटरेक्शन करता हूँ और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि निहायत आसानी के साथ जो भी मुझे जहाँ पर मुझे ये पॉइंटर चाहिए मैं वहाँ पर ले जाता हूँ और उसको यूज़ करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला स्लाइड मुझे चाहिए, इसके ऊपर मैं ले आया और माउस का एक लेफ्ट क्लिक कर दिया तो ये सेलेक्ट हो गया और वो चीज़ यहाँ पे मुझे डिस्प्ले हो गई। ये वाला सेलेक्ट हो गया, वो चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। इसमें मैं दोबारा यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाए। थोड़ा सा जो इससे पहले भी एक हमने लेक्चर लिया था, थोड़ा सा उसकी चीज़ें भी मैं आपको इसमें चलो इसमें बता दूंगा। देखो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला टूल क्लोज हो जाएगा। कहते हैं कि सेव करना चाहते हो इस फाइल को, नहीं मैं इस फाइल को सेव नहीं करना चाहता, मैं डोंट सेव, और ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। हमने पढ़ा था कि माउस के ज़रिए जब हम यूज़ करते हैं तो ये पॉइंटर पोजीशन है, कहीं पर भी मैं इसको ले जा सकता हूँ। माउस के ज़रिए हम सिलेक्शन करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करते हैं। स्क्रीन पर अगर देख ले ये मेरे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये कुछ फोल्डर है, ये एक फाइल है, ठीक है फाइल है ये, इस तरह ब्राउज़र का ये वाला, ठीक है ओपरा, ये है गूगल क्रोम, ठीक है मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के शॉर्टकट है, स्काइप का है। ठीक है, तो हम इसके ज़रिए किसी भी चाहे फोल्डर हो चाहे फाइल हो, हमने फाइल बनाई हुई कस्टम फाइल हो उसका शॉर्टकट हो या किसी एप्लीकेशन का शॉर्टकट हो तो उसको हम क्या करते हैं, इसके ज़रिए उसकी उसके साथ इंटरेक्शन करते या उसको सेलेक्ट करते। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला चाहिए तो मैंने इसके ऊपर एक सिंगल क्लिक कर दिया। यहाँ पे देखो मैं पॉइंटर ले आया, पॉइंटर पोजीशन मैंने की, पॉइंटर इंटरेक्शन मैंने की और यहाँ पे मैंने माउस का एक लेफ्ट क्लिक कर दिया तो ये सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने से ये ऑब्जेक्ट ऐसा नज़र आ जाएगा, देखो ये सेलेक्टेड है तो इसके बैकग्राउंड को देख ले, इसके बॉर्डर्स को देख ले और उसकी नस्बत ज़रा हमें डिफरेंस नज़र आएगा कि ये वाली चीज़ इस वक्त क्या है, सेलेक्ट है। अगर मैं इस पर क्लिक कर लूँ, पॉइंटर ले आओ और माउस का लेफ्ट क्लिक कर दूँ एक सिंगल क्लिक तो ये यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं किसी फाइल को ओपन करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चलो यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ,
ये मैंने, चलिए मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ये तो माउस का राइट क्लिक था, थोड़ा सा माउस का राइट क्लिक यूज करते हैं। ये मैंने राइट क्लिक कर दिया, ये मेरे पास शॉर्टकट मेन्यू ओपन हो गई। ठीक है, इससे मुख्तलिफ कमांड्स है, अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें से हम अपनी कमांड सेलेक्ट करते हैं। तो राइट क्लिक के नतीजे में ये शॉर्टकट मेन्यू क्रिएट हो गई। अब इसमें से मुझे क्या चाहिए, मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक कमांड यूज़ करता हूँ। मैं न्यू में आया, ये वाली मुझे बता रहा है कि इस न्यू में बहुत सारे और कमांड्स भी हैं। मैं यहाँ पे आया तो अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, लेकिन मैंने फिलहाल फोल्डर क्रिएट नहीं करना, मैंने एक फाइल क्रिएट करनी है, वो भी किसकी, पेंट की, एम एस पेंट की। तो मैंने इस पर ये सेलेक्ट कर दिया। फिलहाल ये फाइल क्या होगी, ब्लैंक होगी। मैं इस वक्त क्या करता हूँ, देखो ये इस वक्त ये सेलेक्टेड है, ये फाइल का नाम सेलेक्टेड है। इसका मतलब यह है कि जब ये टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाए किसी फाइल का या किसी फोल्डर का, तो इसका मतलब यह है कि ये रीनेम करने के लिए रेडी है। तो मैं इसका ये नाम चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसका नाम देना चाहता हूँ टेस्ट। ये मैंने दे दिया। अब ज़रा मैंने कीबोर्ड से एक एंटर बटन प्रेस कर दिया। ठीक है, प्रेस बटन करने से ये क्या हो गया, ये सेलेक्ट हो गया। अब मैं इस पर डबल करता हूँ तो ये फाइल क्या होगी, ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसको फिर क्लोज करता हूँ। ये वाला जो है, देखो माउस का राइट क्लिक तो ये आएगा, माउस का लेफ्ट क्लिक इस पर लाया, एक बार मैंने सेलेक्ट कर दिया, ये सेलेक्ट हो गया। ठीक है, किसी फाइल को ओपन करना के तरीके, इस पर मैं ये पॉइंटर ले आया, इस पर मैं माउस लेफ्ट क्लिक को डबल, जल्दी जल्दी डबल प्रेस करता हूँ तो ये फाइल जो है ओपन हो जाएगा। ये ठीक है, किसी फाइल को ओपन करने का, किसी फोल्डर को ओपन करने का ये तरीका है। किसी फाइल को ओपन करना है, उस फाइल या फोल्डर को ओपन करने का एक दूसरा तरीका भी है। मैं इसके ऊपर पॉइंटर ले आया, लेफ्ट क्लिक एक बार दबा दिया, ये सेलेक्ट हो गया। अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक कर देता हूँ माउस का, ये हो गया, और मैं यहाँ से करता हूँ ओपन, तो ये ओपन हो गया। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ माउस के लेफ्ट और राइट बटन का यूज। ये माउस का राइट बटन, ये ये माउस का लेफ्ट बटन एक बार दबाया तो सेलेक्ट हो गया, और फिर डबल मैंने इसके ऊपर डबल दबाया, ये ओपन हो गया। और फाइल या फोल्डर को ओपन करने का और तरीका भी है, वो ये है कि उसके ऊपर मैं ले आया, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, फिर मैंने सेलेक्ट किस तरह के पॉइंटर ले आया और माउस के लेफ्ट बटन को एक बार प्रेस किया तो ये सेलेक्ट हो गया। अब मैं इसके ऊपर ले जाके माउस का राइट बटन क्लिक कर देता हूँ, ये ओपन आ गया, मैंने इसको दबाया, ये फाइल ओपन हो गया। इस फाइल में चूंकि इस वक्त कुछ डेटा नहीं है, इसलिए ये खाली नजर आ रहा है। ठीक है, इसको फाइल को या फोल्डर को ओपन करने का एक और तरीका, इसको मैं पॉइंटर ले आया, एक बार मैंने इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक कर दिया, ये सेलेक्ट हो गया। अब मैं कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस करता हूँ एक बार, तो ये क्या हो गया, ये फाइल ओपन हो गया, या इस तरह फोल्डर भी कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। अब इसमें एक दूसरी चीज भी थी, ड्रैग एंड ड्रॉप, माउस की मदद से ड्रैग एंड ड्रॉप। मैं ले आया, मैंने इसके ऊपर ये पॉइंटर ले आया, इसके ऊपर माउस का लेफ्ट बटन मैंने प्रेस किया, और उसको अभी उस बटन को मैंने रिलीज नहीं किया, उसको मैंने दबाए रखा है, उसको प्रेस रखा है, और मैं माउस को क्या करता हूँ, राइट की जनप मूवमेंट देता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट एंड ड्रैग। ठीक है, पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब मैं इसको देखो ड्रैग कर रहा हूँ, राइट की तरफ ड्रैग कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मैं ले आया, अब उस माउस के बटन को जो मैंने लेफ्ट बटन को प्रेस पकड़ा हुआ था, वो मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे वापस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी कुछ सेटिंग में जरा मसला है, इसकी जरा सेटिंग देखते हैं कि बाज दफा सेटिंग की वजह से भी ये डायरेक्टली वो क्या नहीं करता, वो हमें पूरी तरह वो नहीं करने देता कि हम इस पर वो क्या करें, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। ठीक है, शो ऑप्शन, देखते हैं इसको। ठीक है, चलो अब हो गया। ठीक है, ये थोड़ी सी सेटिंग थी, मैंने चेंज कर दी, अब मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिर माउस के लेफ्ट बटन को मैंने प्रेस रखा, और माउस को मैंने एक जानब, राइट की जानब, जहाँ पे मुझे ये ऑब्जेक्ट चाहिए वहाँ पे मैंने माउस को ड्रैग कर दिया।
तो ये क्या हो गया, सेलेक्ट एंड ड्रैग। यहाँ पे मैंने माउस के लिए बटन को छोड़ दिया, तो ये क्या होगा, ड्रॉप, ये हो गया ड्रॉप। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस को जो ये फाइल यहाँ से पे था, फाइल का ये शॉर्टकट यहाँ पे था और ये यहाँ पे आया, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग का माना घसीटना और ड्रॉप का माना किसी जगह पे जहाँ पे मुझे ये चाहिए, ये ऑब्जेक्ट चाहिए, वहाँ पे मैंने इसको छोड़ दिया, उसको कहते हैं ड्रॉप। तो माउस की मदद से हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको एक और चीज़ें बताई थी, आइकन्स, आइकन्स या आइकन्स, ये सारी चीज़ें आइकन्स हैं या आइकन्स। ठीक है, आइकन्स क्या होगी, ये फॉर एग्जाम्पल क्रोम का शॉर्टकट है, ये किसी फाइल का शॉर्टकट है, ठीक है, और ये फोल्डर है। शॉर्टकट का हमें कैसे पता चलेगा, ये वाला एरो देख ले, आपको एरो नज़र आ रहा है ना, ये एरो है, ये एरो है, ठीक है, ये एरो है, तो इसका मतलब है ये कि ये किसी प्रोग्राम के, ये शॉर्टकट है, इसका मतलब है कि ये शॉर्टकट है, प्रोग्राम के ही और पे पड़ा है लेकिन डेस्कटॉप पे उसका एक शॉर्टकट बना हुआ, तो ये एरो है मैं बताता है कि ये शॉर्टकट है। और जिस पे ये एरो नहीं है, मसलन ये फोल्डर पे नहीं है, इस फाइल पे नहीं है, इस फाइल पे नहीं है, तो ये कंप्लीट फाइल यहाँ पे पड़ा हुआ, ये फाइल अगर हमसे डिलीट हो जाए तो काम ख़राब हो जाएगा, फाइल डिलीट हो जाए, लेकिन अगर ये शॉर्टकट डिलीट हो जाए तो ये जिस प्रोग्राम का ये शॉर्टकट है या जिस फाइल का ये शॉर्टकट है वो फिर भी क्या होगा, महफूज होगा, डिलीट नहीं होगा, तो उसमें नुकसान नहीं हुआ। मसलन ये वाला देख लें, एम सी क्यूज़ का ये फाइल जो है, ये फाइल कहीं और पर स्टोर है लेकिन डेस्कटॉप पर मैंने उस फाइल का एक शॉर्टकट बनाया हुआ है, इस पर जब मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो जाएगा आसानी के साथ। ठीक है, ओपन हो जाएगा, अगरचे ये फाइल कहीं और पे पड़ा है, मैं इस पर काम कर सकता हूँ, उसके जो स्टोरिंग है तो जहाँ पे ये फाइल पड़ा है वहाँ पे इसकी क्या होगी, सारी चीज़ें वहाँ पे स्टोर होती जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप हुआ, ये सेलेक्ट और इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं आइकन्स। वापस अपने उसकी स्लाइड की तरफ चलते, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब एक दूसरी चीज़ पे आते हैं, माउस कॉन्फ़िगरेशन, कि माउस को किस तरह कॉन्फ़िगर कहते हैं। ठीक है, उसकी जानिब हम जाएंगे, थोड़ा सा इसको पढ़ ले कि माउस कॉन्फ़िगरेशन है क्या, माउस बटन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगर्ड फॉर राइट हैंडेड यूज़र, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि माउस जो होता है तो वो राइट हैंड यूज़र के लिए कंपनी की तरफ से बाय डिफॉल्ट राइट हैंड यूज़र के लिए वो कॉन्फ़िगर होता है, वो सेट होता है कि राइट हैंड यूज़र उसको आसानी के साथ यूज़ कर सकता है, लेकिन अगर कोई लेफ्ट हैंड से काम करना चाहे तो क्या करेगा, वो माउस को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लेफ्ट हैंड के लिए भी क्या कर सकता है, अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको सेट कर सकता है। यानी लेफ़्ट हैंड के लिए जब हम सेट कर देंगे तो फिर क्या होगा, जो काम राइट बटन का था वो राइट बटन वाले काम फिर हम लेफ्ट बटन से लेंगे, और जो लेफ्ट बटन माउस के लेफ्ट बटन के काम थे वो माउस के राइट बटन से काम लेंगे। माउस बटन, लेफ्ट बटन का सुपर प्राइमरी माउस बटन, माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको बाज़ दफ़ा माउस का प्राइमरी माउस बटन भी कहते हैं। बस एक एमसीक्यू है, इसको याद रखना है कि माउस का लेफ्ट बटन जो है इसको माउस लेफ्ट बटन भी कहते हैं। अब ज़रा जाते हैं कि इसको कन्फिगर कैसे करते हैं, ज़रा प्रैक्टिकली इसके लिए जानब जाते हैं। और यहाँ पे मैं जाला जाऊँगा कंट्रोल पैनल में, कंट्रोल पैनल में जाके हार्डवेयर एंड साउंड में, और हार्डवेयर एंड साउंड में जाको, यह देखो ये माउस, मैंने इसको क्लिक कर दिया, क्लिक हो गया तो वो बटन्स है जिसको हम कन्फिगर कर सकते हैं। सेलेक्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन, देखो यहाँ पर यह मुझे बता रहा है कि इस वक्त माउस का प्राइमरी बटन या लेफ्ट बटन है वो एक्टिव है, यानी ये हाई राइट हैंड यूज़र के लिए है। मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये चेंज हो जाए, ठीक है, ये राइट बटन वाला काम जो है ये लेफ्ट बटन की तरफ चला जाए। तो देखो अब पहले का जो काम राइट लेफ्ट बटन पे होता था अब वही काम राइट बटन पे होगा, और जो काम राइट बटन के होते थे वो आप लेफ्ट बटन पे होंगे। यानी ये माउस अब क्या हो गया, कन्फिगर हो गया लेफ्ट हैंडेड यूज़र के लिए। अब इसमें देखो यहाँ पे है, मैं इस चेक को हटाना चाहता हूँ, अब अगर मैं माउस से राइट बटन को क्लिक करूँगा तो ये चेक नहीं हटेगा, देखो
नहीं हटेगा। तो उसके हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं माउस के राइट बटन को क्लिक करता हूँ, क्योंकि माउस का जो क्लिकिंग वाला सिस्टम था राइट लेफ्ट बटन क्लिकिंग का, वो राइट बटन की तरह शिफ्ट हो गया। तो मैं इसमें सेलेक्ट कर दिया तो देखो वो दोबारा अपनी पहली पोजिशन पे वापिस आ गया। दूसरी माउस की देखो ये स्पीड, देखो ये माउस स्पीड किस स्पीड से हम पॉइंटर को हिला रहे तो किस स्पीड से मूवमेंट कर रहा है। तो इस स्पीड को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। बस लोग माउस के पॉइंटर को तेजी से नहीं हिलाना चाहते या वो तेजी के साथ नहीं काम कर सकते, तो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको एडजस्ट कर देंगे। तो देखो अब यह बहुत तेज काम नहीं करेगा, अब जरा स्लो काम होगा। चूंकि मैं इसका आदि हूँ, मैं तेज काम कर सकता हूँ, तो मैं इसको फास्ट पे रखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे और इसको फिर क्या करेंगे, तो मैं स्लो करता हूँ और यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ओके कर दूंगा तो फिर क्या होगा, ये स्लो किस्म का होगा। दोबारा इसकी तरफ आते हैं और कंट्रोल पैनल में जाके, हार्डवेयर में जाके, माउस में जाके, ठीक है, तो हम दोबारा इसको अपनी एडजस्टमेंट के मुताबिक सही कर सकते हैं। दूसरा पॉइंटर, हमें किस किस्म का पॉइंटर चाहिए। इस वक्त मेरे पास पॉइंटर ये है, मैं चाहता हूँ कि मेरा पॉइंटर ऐसे हो। ठीक है, देखो वहाँ पे मुझे बताएगा कि पॉइंटर ऐसे हो लाइक, ठीक है। कुछ मेरे मेंडो में बात चीज़ें ऐसी होगी कि आपको ये चेंजेस अप्लाई करने के लिए आपको कंप्यूटर या ये विंडो स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन सेटिंग यही है कि आप सेटिंग इस तरीके से करेंगे। ठीक है, दोबारा मैं उसकी तरफ जाता हूँ। माउस की तरफ जाता हूँ और मैं इसको, ठीक है, पॉइंटर और पॉइंटर को ले गया, इसको मैं करता हूँ, इसको मैं करता हूँ। ठीक है, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन तरीका यही है। और शायद इसके लिए हमें यह करना पड़े कि कंप्यूटर को एक बार रिस्टार्ट भी करना पड़े। ठीक है, तो आप जब ये काम कर दे तो आप एक बार अपने सिस्टम को रिस्टार्ट भी कर दे तो आपको उसका वो नज़र आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम कन्फिगर कर सकते हैं पॉइंटर के स्पीड से मूव करें। मैं अपने डिफॉल्ट पे वापस आता हूँ, यूज डिफॉल्ट करें या इसको करें तो ये वापस आ जाएगा। इस तरह पॉइंटर की जो ऑप्शन है, स्लो है, तेज है, किस तरह है, देखो अब ये तेज नहीं जा रहा, वो स्लो हो गया। ठीक है, इसको तेज ले जाता जबकि मुझे पता चला है कि ये स्लो है। ठीक है, बहुत स्लो, एक जगह से देखो दूसरी जगह बार बार हिलना पड़ता। तो मैं जरा इसकी स्पीड को क्या कर दूँ, इसकी स्पीड को मैं जरा तेज करना चाहता हूँ। देखो अब ये तेजी के साथ हो रहा है, ठीक है, तेजी के साथ मूवमेंट कर रहा है। तेजी के साथ मूवमेंट कर रहा है। ऑटोमेटिकली मूव पॉइंटर टू द डिफॉल्ट बटन इन डिस्प्ले पॉइंटर। ठीक है, इस पे आते हैं, माउस की शेडिंग को देख रहे हैं ना, ये शेडिंग भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दबा देता तो शेडिंग खत्म हो गई। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये अगर ये चीज़ें जो है ये प्रैक्टिकल की है, लेकिन चंद चीज़ें मैंने आपको बता दी। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं, अपने उस टॉपिक से वापस आते हैं। तो ये टॉपिक हमारा ये था कि माउस को किस तरह कन्फिगर करेंगे, तो यही था कि कंट्रोल पैनल में जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, कंट्रोल पैनल में जाए, कंट्रोल पैनल से हार्डवेयर में आए और हार्डवेयर से ये माउस में जाए, तो यहाँ से आप सारी सेटिंग कर सकते हैं। सेटिंग आपने करनी है तो देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है कि इस सेटिंग के नतीजे में क्या होगा, तो ये भी आप पढ़ते जाए। ठीक है, कि जब आप सेटिंग करेंगे तो सेटिंग का जो रिजल्ट इफेक्ट होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे सारा उस पर लिखा हुआ है। ठीक है, सारी चीज़ें इसके साथ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही, और बाकी चीज़ें इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट उसमें लेक्चर में करेंगे।